नाउ हमने अभी तक बहुत सारे गॉड पोकेमोन देखे हैं, लेकिन अगर बात की जाए आरकेएस की तो आरकेएस अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे पॉपुलर गॉड पोकेमोन है। एंड आज की वीडियो में हम सभी बात करेंगे आरकेएस के बारे में कुछ टॉप 15 फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपके पास पोकेमोन से रिलेटेड कुछ ऐसे ही कंटेंट पहुंचते रहें। वेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फैक्ट नंबर 1, आरकेएस के पास टाइम स्टॉप करने की पावर है एंड किसी भी पोकेमोन को जीवन दान देने की ताकत है, या फिर कहूँ तो लाइफ देने की ताकत है, जो कि किसी भी पोकेमोन के पास नहीं है सिवाय ओहो के। फैक्ट नंबर 2, आरकेएस के पास एक लौती ऐसी पावर है जो कि किसी भी पोकेमोन के पास नहीं है, एंड वो है जजमेंट मूव, जो कि सिर्फ अभी तक हमें एनिमे के अंदर आरकेएस के पास ही दिखाया गया है, एंड ऐसा कोई भी पोकेमोन नहीं था जिसके पास ये पावर हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है कि गॉड आरकेएस पोकेमोन का जन्म कैसे हुआ था? तो आरकेएस का जन्म हुआ था एक मिस्ट्री एग से, जो कि अपने आप ही यूनिवर्स में क्रिएट हुआ था। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोगों को पता है कि आरकेएस किसी भी पोकेमोन की टाइपिंग ले सकता है, चाहे वो वाटर टाइप बन जाए या फायर टाइप? मतलब अभी तक हमें जितने भी पोकेमोन वर्ल्ड में टाइपिंग दिखाए गए हैं वो सारे टाइपिंग आरकेएस ले सकता है, एंड ऐसा सिर्फ आरकेएस ही कर सकता है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो आरकेएस ने पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को ही क्रिएट किया है, बट इसके जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अपीयर होने के, वो होते हैं सिनो रीजन के डायमंड, पर्ल एंड प्लेटिनम के हॉल ऑफ ओरिजिन में। फैक्ट नंबर 6, आरकेएस हमें सबसे पहली बार ऑफिशियली दिखाया गया था आरकेएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ नाम की मूवी में, एंड जब ये इंडिया में डब्ड हुई थी तो इस मूवी का नाम पड़ गया था आरकेएस और जीवन का ज्वेल। फैक्ट नंबर 7, आरकेएस एक लौता ऐसा गॉड पोकेमोन है जो कि दो ट्रायो लेजेंडरी पोकेमोन्स का मास्टर है। अब ट्रायो से तुम लोग ये मत समझ लेना कि मैं ओहो की ट्रायो की बात कर रहा हूँ, सुइकून, राइकू और एंटे की, या फिर लूगिया की ट्रायो की बात कर रहा हूँ जो कि जैपाडोस, आर्टिकुनो और वॉल्ट्रेस है, बट मैं बात कर रहा हूँ क्रिएशन ट्रायो और लेक गार्डन्स की। क्रिएशन ट्रायो में आते हैं डियाल्गा, पालकिया एंड गिराटिना, और लेक गार्डियंस में आते हैं युगजी, एजल्फ, मैस्पिरिट। फैक्ट नंबर 8, मे बी ये वाला फैक्ट आप सभी जानते होंगे, कि आप लोगों को पता है कि आरकेएस ने पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को क्रिएट तो किया ही है, बट साथ ही साथ उसने क्रिएशन ट्रायो और इमोशन ट्रायो को भी क्रिएट किया है। एंड क्रिएशन ट्रायो में मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना आते हैं, एंड इमोशन ट्रायो में युगजी, एजल्फ और मैस्पिरिट आते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप लोगों को पता है कि आरकेएस के पास 1000 आर्म्स हैं, एंड इन्हीं 1000 आर्म्स से आरकेएस ने पोकेमोन वर्ल्ड, या फिर कहूँ पोकेमोन यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड जानता हूँ कि आरकेएस के सिर्फ 4 लैक्स ही दिखते हैं, 1000 आर्म्स नहीं दिखते हैं, बट ऐसा बल्बापीडिया पे लिखा हुआ है कि आरकेएस ने अपने 1000 आर्म्स से पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को क्रिएट किया है। फैक्ट नंबर 10, आरकेएस 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, पहला स्पेस, दूसरा टाइम, तीसरा एंटी मैटर, एंड यही तीनों चीज़ डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना के पास भी है, जो कि आरकेएस ने ही इनको बनाया है, तो आरकेएस ने ही इनको पावर दी है। फैक्ट नंबर 11, नाउ हमने अभी तक जितने भी माइथिकल पोकेमोन देखे हैं ना, उन सभी में सबसे ज़्यादा स्टैट्स हैं आरकेएस के। आरकेएस के टोटल स्टैट्स हैं 720, और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बेसिक स्टैट्स किसके हैं, तो वो है एटानेटस, जिसके स्टैट्स हैं टोटल 1125, और ये एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, एंड आरकेएस जो है वो एक मैथिकल टाइप पोकेमोन है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन कंपनी आरकेएस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाना चाहती है, एंड ऐसा क्यों? क्योंकि आरकेएस एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसका बल्बापीडिया पे गिफ लगा है, या फिर कहूँ GIF लगा है, एंड ऐसा अनदर पोकेमोन नहीं है जिसके बल्बापीडिया पे गिफ लगा हो, या फिर कोई वीडियो, या फिर GIF लगा हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आप लोगों को पता है कि बल्बापीडिया पे सिर्फ आरकेएस ही एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसको फुल पॉइंट्स मिले हैं हर एक चीज़ में, चाहे स्पीड या फिर पावर की बात करें हम सभी। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोगों को पता है कि जिन्होंने आरकेएस की वॉइस डबिंग की थी इंग्लिश में, उनका नाम था टॉम वेलेंड, एंड इन्होंने गलती से आरकेएस को आरसीएस बोल दिया था, फिर बाद में कुछ कंडीशंस के चलते आरसीएस को, मतलब इन्होंने जो आरसीएस बोल दिया था तो उसको चेंज करके आरकेएस कर दिया गया था, एंड फिर ऑफिशियली इसको आरकेएस ही रहने दिया गया, एंड जिसके बाद से हम सभी भी आरकेएस ही बोलते हैं आज तक। फैक्ट नंबर 15, क्या आप लोगों को पता है कि आरकेएस के पास अब सिर्फ 10% एनर्जी बची है, एंड इन्हीं 10% एनर्जी से आरकेएस ने पोकेमोन ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में
डियाल्गा, पालकिया और गिरेटिना को बड़े ही आसानी से हरा दिया था। एंड आर्केस ने अपनी 90% एनर्जी सिर्फ पोकेमोन वर्ल्ड बनाने में ही यूज़ कर लिया था। वेल, ये थे आर्केस के ऊपर कुछ टॉप 15 फैक्ट्स। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वेल, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।